एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर संजीत यादव अपहरण कांड में कब क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। हॉस्पिटल से घर जाते इस वक्त संजीत का अपहरण किया गया। तेज उनको परिजनों ने जनता नगर चौकी में गुमशुदगी की तहरीर दी। 26 जून को एसएसपी के आदेश पर रिश्तेदार राहुल पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की। 29 जून को किडनैपरों ने 30 लाख की फिरौती के लिए फोन किया। 5 जुलाई परिजनों ने बर्रा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। 12 जुलाई को एसपी साउथ को परिजनों ने दोबारा प्रार्थना पत्र दिया था और 13 जुलाई को परिजनों ने किडनैपरों को 30 लाख रुपए की फिरौती दी। 14 जुलाई को परिजनों ने बर्रा पुलिस के एसएसपी और आईजी रेंज से शिकायत की। 16 जुलाई को बर्रा इंस्पेक्टर रणजीत सस्पेंड, सर्विलांस से प्रभारी हरमीत को चार्ज सौंपा गया। 22 जुलाई पुलिस ने संजीत के एक दोस्त को उठाया। 23 जुलाई पुलिस ने पकड़े गए संजीत के दोस्त को छोड़ दिया। फिर परिवार से शाम तक केस का खुलासा करने का आश्वासन दिया। रात होने के बाद पीड़ित परिवार को गुमराह करती रही पुलिस। मीडिया के द्वारा संजीत की हत्या की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। पुलिस ने संजीत की हत्या की बात कई घंटों तक छुपा कर रखी। देर रात संजीत के घर पुलिस के पहुंचते कोहराम मच गया। देर रात एसएसपी दिनेश कुमार ने परिजनों को संजीत की हत्या होने की जानकारी दी। शाहजहांपुर से